बहुत इंपॉर्टेंट कहा है, सबसे पहला है नो इन्वेस्टमेंट। आप बताइए जब बिना पैसे का कोई काम है तो एक बात करके देखने में कोई बुराई है? जहां पैसे नहीं है वहां रिस्क नहीं है। तीसरा, यहाँ पर कोई बॉस या एम्प्लॉय नहीं है, सबसे बड़ी बात होगी ना, बॉस का डर सब जगह रहता है, जहां भी जाएंगे बॉस का डर होगा, लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। यहाँ पर आप क्या होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं। आप चाहे आज काम शुरू करें चाहे 10 साल से जो कर रहा है, आपका और उनका एक ही बराबर हिस्सेदारी रहता है। अच्छी बात है, बुरी बात है? यहाँ पर आप तो जो भी बोलेगा तू जरा करके कोई बात नहीं करता, सर करके बात करता है, बताइए कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। उसके बाद में नो एजुकेशन। आज के टाइम में कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपको नहीं मांगा जा रहा है इस व्यापार को करने के लिए, लेकिन अभी कॉलेजों में शुरू हो चुका है, हो सकता है 2-3 साल के बाद में डिग्री की जरूरत पड़े। विश्वास नहीं हो रहा कि बोला इस व्यापार को करने के लिए भी डिग्री, लेकिन आपको मैं सच्चाई बताऊं, आज से 40 साल पहले किसी आदमी को आर्मी के अंदर नौकरी होना था तो क्या करते थे, आर्मी की गाड़ी आती थी गांव में और लेके चली जाती थी, सही बात है कि नहीं? आज लेके जाती है। तो आज इस व्यापार के लिए हम जा रहे हैं, लोगों के पास से हैं, लेकिन आने वाले 2-3 साल के बाद में ऐसा होगा कि लोग डिग्री लेके हमारे पास आएंगे कि हमें ये व्यापार करना है, और उस टाइम हम 10वीं पास वाले ऐसे चश्मा करके बोलेंगे कि देख कैसा लगेगा, बनाओ, बढ़िया लगेगा कि नहीं। तो जो समय है, समय की कदर समझना, समय पे वो काम कर लेना, जिंदगी बन जाएगी। समय के साथ नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे, फिर एक ही चीज बचेगा और वो हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया वर्ड है, वो है पास। पास में होता है हर एक इंसान हर बार पास 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 करता रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइम कंपाउंडिंग। भगवान ने हर इंसान को 24 घंटे दिए, ये है, लेकिन 24 घंटे में एक आम इंसान कितना कमाता है? कोई 100 भी कमाता है, कोई 500 कमाता है, कोई 1000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई करोड़ों, कोई अरबों, सही है? अगर मेरी बात करूं तो मैं 24 घंटे के अंदर में मुश्किल से 10,000 कमाता हूं, लेकिन तो आप बताओ, यहाँ किराना की दुकान खोली है और अगर आपको सीकर में खोलनी है तो
दुकान फिर से किराए पे लो, उसमें सामान भरो, दो लोगों को रखो काम पे, तब जाके चालू होगा कि नहीं। लेकिन हमारा व्यापार ऐसा है कि फोन से उसको पता है, उसको समझ में आ गया, वो करने लगेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और वहाँ व्यापार। अब नीम का थाना में भी तो ऐसे ही हुआ, या हमने कौन सा सेटअप किया, कुछ नहीं किया, एक इंसान आए उनको समझ में आया करना है आज से। तो ऐसा व्यापार है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और वर्ल्ड के किसी हिस्से में आप कर सकते हो, तो करना चाहिए कि नहीं। दूसरा, मुझे जिस चीज ने प्रेरित किया था ये काम, वो ये चीजें थी, यहाँ से रिवॉर्ड्स, हॉटपॉट, होम थिएटर, ओवन, एलईडी, लैपटॉप, बाइक, थाईलैंड टूर, कार, उसके बाद ये है ऑडी कार और ये है 1 करोड़ का मिला। ये सिर्फ हमारे व्यापार जिसमें हम राइट फ्यूचर में काम कर रहे हैं गिफ्ट के तौर पर, उसके लिए फिर खरीदने के लिए पैसा तो जो काम कर रहे हैं उसका मिलेगा, यहाँ से गिफ्ट के तौर पे। आप बताइए, एक ऑडी कार और 1 करोड़ का बंगला अगर 20 साल में 30 साल में मिल जाएगा तो चलेगा? चलेगा? Yes, सिर्फ दुकान बदली करते हो और आप किसी की नहीं करवाते तो भी तीसरी पीढ़ी जब को जाके ये मिलेगा तो भी बढ़िया काम कर रही थी। सही है? Yes, लेकिन ब्राइट विजन बोलती है अगर आप तरीके से करते हो तो आपको 5 से 10 साल के अंदर में सब कुछ मिलेगा जो यहाँ मिलता है। किसी को 5 में मिलता है, तो अभी हमारे पास यहाँ तक आ चुकी है, एक ही टारगेट बाकी रह गया, एक ही बाकी रह गया, वो फोन पे आ गया अभी है ना, फोन पे दिखाई दे रहा है, ग्राउंड में बन जाएगा। अगर उसकी मर्जी नहीं मानी और घर में जाके कंबल ओढ़ के सो गए तो फिर वो
अपना कली है कल प्रसिद्धि क्या घुमाएंगे और उनका सुदर्शन चक्र चल गया तो कभी बेड़ा पार होने वाला है कर लो उन्हीं की मर्जी से आए हो ठीक है जो मौका मिला एक बार कर लो जब घाटे का सौदा नहीं है जब पैसे नहीं लग रहे हैं तो कोशिश करने में क्या हो रही है सही है कि नहीं अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं 21वीं सदी के अंदर एक ही व्यापार ऐसा होगा जो हर युवा को करना चाहिए नहीं तो अपनी टैलेंट के हिसाब से वो पैसा नहीं कमा पाएगा आप देख रहे होंगे आज डिग्रियों का इतना ढेर सुबह 8 बजे टिफिन लेके जाता है शाम को 8 बजे टिफिन खाली करके आता है और खाते में आते 8,000 पेट्रोल कितना फूक दिया 5,000 रूम का रेंट 3,000 खाने का पैसा बापू दे सही है फिर भी हम बड़े बोला हो मैं तो इस कंपनी के अंदर काम करता हूँ सही है सुन लो बड़े लोगों की ये बहुत पहले चले गए थे महान विचारक थे कि नहीं ईसाई मैन के नाम से जाने जाते हैं इंडिया में राष्ट्रपति बने हैं ज्ञानी थे इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है 21st सेंचुरी उसमें ये टॉपिक बोल के गए हैं तो ये इंसान क्या गलत बोल सकता है इसने जो प्रेडिक्शन की थी वो अभी सच साबित हो रही है ये कौन है मोदी साहब बोलते हैं युवा नौकरी के चक्कर में नहीं रहे क्योंकि भारत के अंदर 90 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं हर साल क्या सबको ये नौकरी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे नौकरी कितनी है ओनली 1% बाकी बचे हुए क्या कहां जाएंगे बताओ कुछ करना पड़ेगा ना ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो आत्म सक्षम बनो एंटरप्रेन्योर बनो हमने स्किल इंडिया का प्रोग्राम खोल के रखा है मेक इन इंडिया खोल के रखा आप आओ करो लेकिन हम फिर भी समझ में आ रहा है तो नौकरी का बुरा हाल है आप बताओ सर 100 की वैकेंसी होती है उसमें लाखों लोग फॉर्म भरते हैं तो कौन से 100 लोग सेलेक्ट होंगे जो टॉपर होंगे या जो कोई है या तो चेक चलेगा या चेक चलेगा जो भी चलेगा लेकिन उसमें अपना देख लेना अपना नंबर किधर है दोनों में मुझे नहीं लगता कि हमारा जैसे लोगों का नंबर दोनों में नहीं आता है ना ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट है ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति ये बोलते हैं कि अगर पहले रह चुके अभी दूसरे होंगे ये बोलते हैं अगर मेरी संपत्ति पूरी जीरो हो जाए और मुझे फिर से कोई काम करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग ये माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स बोलते हैं कि मुझे फिर से कोई भी काम अगर स्टार्ट करना पड़े तो मैं एक ही काम करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग ये अखबार की कटिंग है कामयाबी के लिए चाहिए नेटवर्किंग लोग सब करते नेटवर्किंग लेकिन हम करने से डरते लोग सब जोड़ हम सब दुनिया के हर एक लोगों से जुड़े हुए मैडम सिम कौन सी इस्तेमाल करते जियो के साथ जुड़े हैं कि नहीं मोटरसाइकिल चलाते तेल कौन सी कंपनी का डालते हो जुड़े हैं गैस घर में गैस बनती है एचपी से जुड़े हैं कि चीनी किसी से लाते हो उस दुकान से जुड़े हैं कि अरे हम सब से जुड़े हुए हैं लेकिन हमसे कोई नहीं जुड़ा और जिस जिस से हम जुड़े हुए हैं वो दुनिया में राज कर रहे सही है तो आज से क्या करना है हमसे जुड़ो भाई ठीक है ना हमने बड़े जोड़ लिए आज तक तो कुछ आया नहीं अब हमसे जुड़ो सही है जुड़ने का कोई पैसा नहीं है सिर्फ दुकान बंदी करके से फ्री में अगर जुड़ रहा है तो जोड़ने में कोई दिक्कत है नहीं है ये है नीति आयोग मिस्टर अमिताभ कांत है आईएएस ऑफिसर ये जो संविधान के अंदर कानून नियम बनाते हैं वो भी बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे विशेष जोर देने की जरूरत है क्योंकि युवाओं के पास में जॉब नहीं है